अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी है क्रीमी बोनलेस चिकन कढ़ाई। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल पैन पे और फिर चॉप्ड ऑनियंस। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और वेट करें जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाएं, जिस तरह हम वीडियो में दिखा रहे हैं, फॉर अबाउट 5 मिनट्स। फिर हम अंदर ऐड कर रहे हैं जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट, जो पहले हमने वे इंग्रेडिएंट्स में दिखाई थी। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम अंदर ऐड कर रहे हैं बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को आपने अच्छे से अंदर मिक्स कर लेना है और 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। नेक्स्ट स्पाइसेस में हम डाल रहे हैं सॉल्ट, फिर रेड चिली पाउडर और फिर धनिया पाउडर। इन स्पाइसेस को आप अच्छे से एक साथ मिक्स कर लें और कुक कर लें 5 मिनट्स के लिए, और फिर हम बाकी सारी स्पाइसेस अंदर ऐड करेंगे, लेकिन गरम मसाला और ब्लैक पेपर्स हम बाद के लिए रख देंगे। अब हम अंदर डाल रहे हैं टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम अंदर ऐड कर रहे हैं मेथी और इसको भी आपने अच्छे से अंदर मिक्स कर लेना है, क्रश ब्लैक पेपर्स, और फिर इनको भी मिक्स कर लेना है और अगेन कुक कर लें 5 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं अंदर योगर्ट 6 टेबल स्पून्स, इसको क्रीमी और थिक बनाने के लिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक कुक करें जब तक चिकन अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हम चेक कर रहे हैं, ये अंदर से पक गया सही। अब हम अंदर डाल रहे हैं लास्ट स्पाइस गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कुक दोबारा कर लें 5 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर डाल रहे हैं डबल क्रीम, अबाउट 1.5 कप। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक साथ। आपने इसको कुक करना है जब तक मिक्सचर थिक हो जाए और आपके टेस्ट के हिसाब से इसकी थिकनेस हो जाए। फिर हम गार्निश के लिए अंदर ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर और जिंजर। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक साथ और फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स आपने इसको पकने देना है। अब हमारी बहुत बहुत डिलीशियस और क्रीमी बोनलेस चिकन कढ़ाई रेडी है। ये बहुत मज़े की बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट्स में बताना कैसी बनी थी। लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।